देखिए जैसा कि आपको बताया गया कि हम आज आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसी से बहुत आसानी से सवाल आपके लगेंगे। तो हमने अभी आपको लिखाया था कौन से चैप्टर्स लिखाए थे आपको कराने के लिए, जैसे कौन से चैप्टर लिखा था सबसे पहले आपको बताया था वर्क एंड टाइम, ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के साथ में आएगा नथ एंड टंकी। ठीक है, नथ एंड टंकी दोनों बहुत ही आसान चैप्टर हैं और बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, होता क्या है इन दोनों चैप्टर्स में, आपको दो चार चीज आनी चाहिए। पहला आपको लासा निकालना आना चाहिए, ठीक। दूसरा आपको हम इसमें एक फार्मूला है एम वन डी वन टी वन अपॉन डब्ल्यू वन बराबर एम टू डी टू टी टू अपॉन डब्ल्यू टू। ठीक है, इसी दोनों कॉन्सेप्ट में एक आपका है कुलनर मेथड। बस इतने कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा वर्क एंड टाइम आपका इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ठीक है, पहली बात ये जान लीजिए कि बहुत आसान है। जिसमें सवाल आते हैं जैसे कह रहा है एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, एक बटे 10। बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम एक बटे हो जाता है। जैसे अगर पूरा पूरा काम आप कर सकते हैं मान लो 16 दिन में, किसी काम को आप 16 दिन में कर सकते हैं तो आपका एक दिन का काम जो हो जाएगा वो एक बटे 16 हो जाएगा। दो दिन का काम 2/16, 3 दिन का काम 3/16 और 16 दिन का काम 16/16, यानी कि तभी तो पूरा काम होता है। यानी कि 16 दिन का काम निकालो 16/16, जब पूरा पूरा हो जाता है तो उस तरीके से बन जाता है। नहीं तो आपको इसका ध्यान रखना है, एक दिन का काम मतलब 1/16। क्लियर, अगर 16 दिन में कर रहा है, अगर 20 दिन में कर रहा है तो 1/20। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, अब आपके सवाल होते हैं जो आप कैसे लगाते हैं उसको बहुत आसान तरीके से आपको पूरा चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा ना बताते हुए पहली लाइन आप हेडिंग उतार हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, देखिए कितना आसान है। जैसे एक सवाल लिखिए, एक किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। एक किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। एक किसी काम को कितने घंटे में, 8 घंटे में, बी उसी काम को कितने घंटे में, 12 घंटे में कर सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। अब इस पर आपके बहुत से सवाल आ सकते हैं। कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ए ने 2 दिन तक काम करना शुरू किया तो शेष काम बी कितने दिन में कर लेगा, ऐसे करके बहुत से सवाल इस पर बन सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लगाएंगे कैसे, इस चीज को देखते हैं। एक किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है तो हमने यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी लिखा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर राम रहे होते तो राम रहे लिख लेते, अगर सीता गीता होती तो सीता गीता लिख लेते, कोई दिक्कत, ए और बी लिख लिया। अब उसके बाद चूंकि यहाँ घंटे दिया है इसलिए हम ऐसे घंटे लिख लेंगे, अगर दिन दिया होता तो दिन लिख लेते। तो यहाँ पर 8 घंटे और यहाँ पे 12 घंटे में कर सकता है, ऐसे करके दिया है कि नहीं दिया, दिया है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे। अगर हम ये देखें कि दोनों मिलकर कितने कुल्हड़ बनाने हैं और कैसे काम होगा तो हम लोग सिंपल सा इसका ले लेंगे लासा, 8 और 12 का लासा। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लासा आना चाहिए, तो 8 और 12 का लासा वैसे तो आप ऐसे लेंगे। लासा निकालने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते हैं। लासा निकालते हैं ऐसे, 4 × 8 = 12, तो अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 2 × 3 = 6 × 6 = 24, इसका लासा 24 हो जाएगा। वैसे हम लासा मासा के चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैसे शॉर्टेस्ट तरीके से लासा निकालते हैं। एग्जाम में इस तरीके से लासा निकालने का कोई भी तरीका नहीं है, ये बहुत ही बेकार मेथड है, लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए। हम आपको लासा और बताएंगे कैसे लासा निकलता है। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसको समझिए कि इसका लासा हो गया 24, तो हमने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख लिया 24 और यहाँ पे हमने लिख लिया इनका काम। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हमने कोई कुछ किया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन उतारा है, इस टेक्निक से क्वेश्चन उतारा है, ए बी और यहाँ घंटे और यहाँ काम और यहाँ पे इनका लासा, कुछ नहीं किया अभी तो, सिर्फ मैंने क्वेश्चन उतारा है। अब हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे 8 + 24 अगर 24 कूलर बनाने हैं और इसको 8 दिन लगते हैं तो ये एक दिन में 3 काम करता होगा, यानी कि 3 कूलर बनाता होगा, तभी तो इसको 8 दिन लगते हैं। एक दिन में 3 बनाया, 2 दिन में 6 बनाया, फिर 9 बनाया, फिर 12 बनाया, ऐसे करते करते 8 दिन में पूरे 24 बना लिया। अब इसको हम लोग भाग कर लेंगे 12 × 24, तो अगर ये 2 बनाता है तो इसको कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। इस तरीके से कर लिया नहीं कर लिया, एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी एक दिन में 2 काम कर लेता है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि वो 3 कूलर बनाता है, वो 2 कूलर बनाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? आप कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? हमको 24 काम करना है, 3 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5। इसको हम 5 से भाग करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 24, 4 सही, 4/5 घंटे। बताइए क्या दिक्कत है? सवाल हो गया, नहीं समझे? समझ में आ गया? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या कह रहे थे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ दिन होता तो दिन आ जाता। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसमें हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें, इसका दूसरा टाइप क्या बन सकता है, तो इसका दूसरा टाइप क्वेश्चन का बन सकता है कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। नोट करिए, दोनों ने मिलकर काम, ये तो है ही है कि एक इसी काम को 8 घंटे में, उसे 12 घंटे में कर लेता है, इतना तो है ही है। उसके आगे है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। 2 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, शेष काम बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? शेष काम बी अकेला कितने दिन में कर देगा? ठीक है, शेष काम भी अकेला कितने दिन में कर लेगा? शेष काम भी अकेला कितने दिन में कर लेगा? बहुत ही सिंपल है। तो हम दोबारा से अपने उस बेस पे आते हैं। हमारा बेस क्या था? हमारा बेस था यहाँ तक 24। इतना बेस है कि नहीं है? है। अब हम लोग सोचते हैं जो हमारा लॉजिक है, कह रहा दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो जब दोनों मिलकर काम करना शुरू करेंगे, 3 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, एक दिन में 5 कूलर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? 2 दिन में 10 कूलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लॉजिक सोच रहे हैं, 2 दिन में 10 कूलर बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर 2 दिन में 10 बन गए तो 10 घटा दिया तो यहाँ पे 12 आ गया, 14 आ गया। अब कह रहा ए ने काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ पर ए करेगा नहीं, करेगा नहीं, तो ये 14 कूलर कौन बनाएगा? जो है वो बनाएगा, यानी कि बी बनाएगा। तो ये शेष काम है, यानी कि इस 14 कूलर को बनाने में इसको 2 से भाग कर दिया, यानी कि 7 दिन लगेंगे। नहीं समझे? 14 कूलर बनाने हैं, बाकी बन चुके हैं, तो शेष काम को बी को करने में कितने दिन लगेंगे? 14/2, यानी कि 7 दिन। शेष काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा, फिनिश। नहीं समझे? अगर इसमें यही कहता कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो शेष काम 7 दिन में हो रहा है और 2 दिन मिलकर काम कर रहे थे, तो पूरा काम हो जाएगा 9 दिन में। नहीं समझे? अगर इसमें हम एक और क्वेश्चन लेते कि शेष काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 7 दिन, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 9 दिन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मिटा दिया जाए? इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? इसमें कह रहा था 2 दिन के बाद एक काम करना बंद कर देता है। क्लियर? 2 दिन के बाद क्या हो रहा है? एक काम करना बंद कर देता है। अगर हम इसमें ये कहें 2 दिन के बाद बी काम करना बंद कर देता है, अगर हम इसमें ये कहें 2 दिन के बाद बी काम करना बंद कर देता है, तो देखो 2 दिन तक कितना काम होगा? 3 × 5 कूलर एक दिन में, 2 दिन में 10 कूलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो 10 हमने यहाँ से घटा दिया, यहाँ पे 14 बचा। अब ये काम करना बंद कर देगा तो ये 14 काम यही तो करेगा, तो शेष काम 14/3 दिन में होगा। 3 से इसे भाग कर दिया, 3 × 3 = 12, 4 × 2/3 दिन, शेष काम 4 × 2/3 दिन में होगा। अगर
बी काम करना बंद करता है, बी काम करना बंद करता है दो दिन बाद। क्लियर? अगर दो दिन के बाद बी काम करना बंद कर देता है तो शेष काम चार सही दो बटे तीन दिन में होगा, अगर कहे पूरा काम कितने दिन में होगा तो छह सही दो बटे तीन दिन। क्लियर? नहीं समझे? इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कर सकते हो जी, पक्का जी। थोड़ा सा इसमें और टाइप बनते हैं वो भी देख लिया, चलिए इसको अगर चाहो तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बाकी अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।